So today we are going to start state data structure. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेंगे ताकि पूरा ये वीक वाला जो मटेरियल है वो कवर हो जाए. तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज मीन बाय स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑपरेशंस वी कैन अप्लाई, what are the applications of the stack data structure and algorithm, finally algorithm or coding part. So 1 to 4 are basically a sort of understanding your conceptual topics that will let you know what is going behind the scenes when you are actually going for the implementation. So if you covered these four, in fact these three, greatly understanding, you will have no issue with algorithm or coding. So stack जो है वो एक linear data structure है और ये काम करता है, it operate in a LIFO या FIFO fashion. ठीक है जनाब, तो लीनियर अंडरलाइन किया हुआ है मैंने. लीनियर का मतलब होता है कि ऐसा डेटा, क्योंकि हमने जब शुरू में पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो डेटा स्ट्रक्चर से मुराद होता है अ वे टू स्टोर, अ वे टू मैनेज, अ वे टू मैनिपुलेट द डेटा. We have different types of data structure. Each have its own capability of how it stored the data, how it manipulated the data, how it let you access the data. So stack is a linear data structure. अब linear से मुराद होती है कि इसके अंदर जो data store करेंगे वो linear या एक sequence के अंदर store किया जाएगा. Non-linear या on the other hand क्या होता है कि जिसमें आप डेटा स्टोर करेंगे किसी सीक्वेंस के अंदर नहीं, रैंडमली सीक्वेंस में आप सेव कर सकते हैं. तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो या फिलो फैशन में काम करता है. ये बेसिकली एक ही बात के, एक ही नजरिए के दो नाम है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट. ये एक ही चीज है. ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसको स्टैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड स्टैक के तौर पे काम करता है. स्टैक कहते हैं बेसिकली, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर्स नजर आ रही हैं कि अ डेक ऑफ कार्ड्स या पाइल ऑफ बुक, आप जैसे बुक्स की अरेंजमेंट करते हैं एक के ऊपर एक, यू अरेंज एन ऑब्जेक्ट ऑन वन ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, जिस तरह कॉइन्स हैं, जिस तरह बुक्स यहाँ नजर आ रही हैं, इस तरह रियल लाइफ वर्ल्ड में आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगी स्टैक की. इस अरेंजमेंट को स्टैक कहते हैं. तो ये भी जो डेटा ऑर्गेनाइज करता है वो स्टैक फैशन में करता है. अब मिसाल के तौर पे आपने बुक्स की अरेंजमेंट की है, क्योंकि स्टैक इज अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड अरेंजिंग द डेटा. तो अब लिटरेचर की जो बुक है वो सबसे नीचे है, या यूं कह लेंगे सबसे पहले जब मैंने डेस्क के ऊपर बुक रखी तो वो लिटरेचर की होगी, उसके बाद फिर साइंस, फिर हिस्ट्री और फिर आखिर में मैथ. तो मैथ इज द लास्ट बुक दैट आई प्लेस्ड. लेकिन जब मैं इन बुक्स को रिमूव करना शुरू करूंगा तो सबसे पहले कौन सी बुक रिमूव होगी? मैथ की. दैट्स व्हाई आई कॉल इट लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसी तरीके से अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, दूसरे नजरिए से देखें, तो लिटरेचर की बुक कब रिमूव होगी? सबसे आखिर में, जबकि वो आई कब थी इस पूरे स्टैक में? सबसे पहले. दैट्स व्हाई वी कैन ऑल्सो कॉल इट फर्स्ट इन लास्ट आउट. तो इसी, अब यहाँ पे जो डेटा स्टोरिंग होती है वो भी स्टैक फैशन में ही होती है, इसीलिए इसको लास्ट इन या फर्स्ट आउट कहते हैं और इसीलिए इसका नाम स्टैक है. और ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है. स्टैक जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, यानी कि कस्टमाइज डेटा टाइप है जो कि यूजर खुद डिफाइन करेगा. अच्छा, यहाँ पे ये जो स्टैक हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज
टोटली डिफरेंट. हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने कहा था कि वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, लेकिन वो उसकी जो फीचर थे या उसका जो सेंटेक्स था वो सब वो बिल्ट इन था स्ट्रक्ट के नाम से, या क्लास हमने पढ़ा. लेकिन स्टैक इज कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट टोटली. ठीक है, अब आपने क्लासेस पढ़ ली हैं, अब आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने एरे पढ़ लिया, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट अब आप जो है वो जो स्टैक का कॉन्सेप्ट है, जो स्टैक का एब्स्ट्रैक्ट है वो इम्प्लीमेंट करेंगे. तो बेसिकली स्टैक एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है दैट अलाउ एडिंग या रिमूविंग द एलिमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर. यानी कि आप जो है वो स्टैक में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं. पर्टिकुलर ऑर्डर से मुराद क्या है, वही लीफ हो या फील हो. ठीक है, तो दो तीन बातें जहाँ यहाँ पे जो अंडरलाइन थी वो मैंने समझा दी. एक लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर लीफो फीलो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से मुराद होता है बिल्ट इन डेटा टाइप, और बाउंडेड कैपेसिटी से मुराद है कि क्योंकि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो आप फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करेंगे वही इसकी कैपेसिटी होगी, तो इसीलिए इसको बाउंडेड कैपेसिटी बोला जा रहा है. तो ये तो हमने कर लिया कि वॉट इज डेटा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. नाउ ये काम कैसे करता है, तो एक बेसिक मेमोरी डायग्राम जो है वो शो किया गया है यहाँ पे. ठीक है जनाब, अब हमें पता है कि मेमोरी जो है इट्स अ सॉर्ट ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ मेमोरी लेआउट, एंड वी नो दैट मेमोरी हैज अ ब्लॉक्स. ईच बॉक्स यानी कि यहाँ पे जो हर आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ब्लॉक जिसको बोलते हैं, इट्स बेसिकली अ मेमोरी ब्लॉक और उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा. ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है. अब यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल सा बना दिया है. ठीक है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ फाइव ब्लॉक्स. सो ये जो ऑरेंज रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है इट इज बेसिकली a representation of our stack in the memory. Let's suppose we are created a stack in our memory. So yahan pe is picture mein aapko nazar aayega ki stack kaam kaise karta hai aur memory mein uska kaisa layout hai, kaise nazar aayega. So this stack has basically five blocks, so it can store up to five element. Theek hai, LIFO ya FIFO fashion ke andar. ठीक है जनाब, पांच की मैंने ऐसी एग्जांपल ली है, आपकी मर्जी है आप कैसे भी इम्प्लीमेंट करें. आप हो सकता है डायनेमिक इम्प्लीमेंट कर दें डिपेंडिंग अपॉन द यूजर साइज. ठीक है जनाब, तो स्टैक से मुराद है कि ये सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव फाइव ब्लॉक्स जो जिनको मैंने फिर अलग से भी यहाँ पे जो है वो बना दिया है. अच्छा, अब स्टैक के अंदर एक स्टैक का टॉप है और एक स्टैक का बॉटम होता है. ठीक है, जब भी आइटम इसके अंदर ऐड किए जाएंगे तो इस ऑपरेशन को पुश कहा जाएगा. मैंने राउंड ब्रैकेट भी लगा दिए पुश के साथ, जो कि ये शो कर रहा है कि इट विल बी अ फंक्शन व्हेन वी विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट. सो पुश मीन्स के एडिंग द आइटम्स इन टू द स्टैक, और याद रहे कि ये काम टॉप से ही होगा. आप जो हैं स्टैक को इस तरह का एक कंटेनर भी समझ सकते हैं. ठीक है, या आप वो बुक्स वाली एग्जांपल ले लें कि आप आपको बुक्स अरेंज करनी है तो आप रखते जाएंगे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक फ्रॉम द टॉप. ठीक है, तो आइटम्स आर एडिट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, जो ये एरो भी शो करा रहा है. ठीक है, ये जो इसका कलर है वो मैंने जानबूझ के ये रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके कि आइटम्स आर एडिट फ्रॉम द टॉप, तो इसको पुश ऑपरेशन कहते हैं. इसी तरीके से आइटम्स आर रिमूव फ्रॉम द टॉप, इसको जो है वो पॉप ऑपरेशन कहते हैं. ठीक हो गया, तो जब भी हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे, ठीक है,
तो इट विल गोस एट द एट दिस पोजिशन, यानी कि आइटम जो है वो इंसर्ट होगा टॉप से, लेकिन इट गोज टू द बॉटम पोजिशन, सबसे पहली जो पोजिशन होगी। लेट सपोज ये फर्स्ट पोजिशन है, तो यहाँ पे हमने डेटा एड कर दिया, लेट सपोज 10। जब दोबारा जो है वो डेटा एंटर करेंगे तो इट विल गोज टू द सेकेंड पोजिशन, ठीक है, फिर थर्ड पोजिशन, फिर फोर्थ पोजिशन एंड देन दिस फिफ्थ पोजिशन। तो इट इज कॉल्ड पॉपिंग, सॉरी पुशिंग। ईच टाइम जब जो आइटम है वो एड किया जाता है तो वो पुश कहलाता है और वो फ्रॉम द टॉप किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आइटम को रिमूव करना होगा तो वो फ्रॉम द टॉप होगा, यानी कि जो सबसे आखिर में आइटम आया था वो सबसे पहले रिमूव होगा, उसके बाद वाला, फिर ये, ठीक है जनाब। तो इसको कहते हैं पुश एंड पॉप। तो हमें इससे ये बात भी पता चली कि जो स्टैक है इट हैज ओनली वन वे ऑफ एंट्री, आप सिर्फ टॉप से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कंटेनर की एग्जांपल दी कि एक सॉर्ट ऑफ कंटेनर है जिसके तीनों साइड्स ब्लॉक हैं या बंद हैं और सिर्फ टॉप से उसका उसमें एंट्री की जा सकती है, ठीक है। और वन बाय वन आइटम्स ऐड किए जाएंगे, जब भी ऐड किया जाएगा तो वो पुश कहलाता है और पुश टॉप से होता है, वो सबसे पहले बॉटम से फिल होना शुरू होता है स्टैक आपका, ठीक हो गई बात। और तो इस स्लाइड में कोई भी नहीं है बात, अब आगे चलते हैं। जीशान ने जो है ना हैंड रेस किया है, तो जीशान आपका क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल है कि सर जैसे अगर हम कोई आइटम सबसे पहले अगर इंसर्ट करते हैं हम, तो हमें सारे एलिमेंट पीछे के पहले निकालने होंगे अगर हमें उसको दोबारा एक्सेस करना होगा? हाँ बिल्कुल, जैसे नॉर्मली स्टैक में होता है, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर पिछली स्लाइड पे हम चलते हैं और मिसाल के तौर पे बुक्स निकालनी है मुझे, अगर लेट्स सपोज साइंस की बुक निकालनी है तो पहले मैथ को पॉप करूंगा, फिर हिस्ट्री को पॉप करूंगा और फिर मुझे साइंस की बुक मिलेगी। तो जिस तरह एक नॉर्मल स्टैक में होता है वैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। याद रहे कि कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है C++ का, ठीक है, कोई सी भी लैंग्वेज इसका बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड नहीं करती। ये एक तरीका है चीज़ों को अरेंज करने का, तो इसी तरीके से ये एक तरीका है डेटा को अरेंज करने का। तो अभी इसीलिए हम स्टैक पढ़ रहे हैं कि स्टैक एक तरीका है डेटा अरेंज करने का और हम इसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके जो भी कुदरती कह लें फीचर्स हैं, इस तरह टॉप टू बॉटम अप्रोच वाली या लीफो फिलो वाली, जो इसका इनहेरेंट फीचर है, इसको हम अपने C++ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस स्लाइड के आपको मेमोरी लेआउट का समझ में आ गया कि भाई आपको अगर स्टैक बनाना है तो आपको उसका साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 5 का साइज डिक्लेयर किया है तो 5 एलिमेंट उसमें आ सकते हैं, वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द डॉट बॉटम, और टॉप से ही उसमें इंसर्ट करेंगे और टॉप से ही उसको रिमूव करेंगे। ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। अच्छा एक मिनट थोड़ा होल्ड करें, अच्छा अब ये जो स्लाइड है ये आपको स्टैंडर्ड ऑपरेशन शो करवा रही है जो कि आप स्टैक पे अप्लाई कर सकते हैं और
या आपको जो इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो सबसे पहला तो बहुत कॉमन ऑपरेशन है, पुश का ऑपरेशन है। पुश से मुराद होती है कि प्लेस एन आइटम ऑन टू द स्टैक। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि देयर इज, अगर मतलब स्टैक या तो खाली हो या भरा हुआ ना हो, तभी आप आइटम पुश कर सकते हैं। सो प्लेस एन आइटम ऑन टू द स्टैक इफ़ देयर इज़ नो प्लेस फॉर द न्यू आइटम, तो स्टैक जो है वो ओवरफ्लो स्टेट में समझा जाएगा। इसकी मिसाल क्या है, लेट सपोज स्टैक में हमने डेटा एंटर किया था, ठीक है। तो लेट सपोज ये 5 एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी पुश हो चुके थे। अब अगर मैं नेक्स्ट टाइम पुश करूंगा तो देयर इज नो प्लेस फॉर द न्यू आइटम, और इस कंडीशन को हम कहेंगे कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो कंडीशन में है या ओवरफ्लो स्टेट में है। नो एनी फर्दर एलिमेंट कैन बी पुश। इसी तरीके से दूसरा ऑपरेशन जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और याद रहे कि यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं क्योंकि ये C++ के फंक्शंस हो जाएंगे जो आप बनाएंगे। अगेन बता दूँ आपको कि भाई ये कोई बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है, ना ही स्टैक कोई बिल्ट इन फंक्शन है या कोई ऑब्जेक्ट है। आपको बनाना है स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन, आपको करनी है, और ये उसके स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं एक नॉर्मल जो स्टैक पे लगाए जा सकते हैं, वही हम C++ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पॉप से मुराद है कि रिटर्न एन आइटम एट द टॉप, क्योंकि जब भी आइटम रिमूव होगा स्टैक से तो वो सबसे पहले जो है वो टॉप वाला होगा। तो इस आइटम को जो है वो, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं पॉप, ठीक है। तो लेट सपोज आपने पॉप किया, ठीक है, पॉप किया, यहाँ भी पॉप कर दिया। तो अगर पॉप अब मैं अगर इसको पॉप कॉल करूंगा तो स्टैक जो है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो इट विल बी द अंडरफ्लो स्टेट। यानी कि अगर स्टैक पहले से भरा हुआ है और आप दोबारा उसको पुश कर रहे हैं तो वो ओवरफ्लो है, और अगर वो ऑलरेडी खाली है और आप उसको मजीद एक आइटम रिमूव करना चाह रहे हैं जो है ही नहीं उसमें, तो फिर वो अंडरफ्लो स्टेट कहलाती है, ठीक है। ओवरफ्लो स्टेट को भी आपको ही शो करवाना होगा किसी फंक्शन या कमांड या किसी प्रॉम्प्ट मैसेज के जरिए, कि जब पुश कॉल करूं तो पहले वो ये चेक करे कि भाई फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो फिर ओवरफ्लो का एरर दे दे, लेट सपोज। तो ये सब चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी होंगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इज एम्प्टी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये बताएगा कि भाई स्टैक जो है वो खाली है या नहीं है। अच्छा, ये जेनरिक डेफिनेशन है इन फंक्शंस की, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आपको सोचना है। मैं थोड़ा बहुत आपको एल्गोरिथम के हवाले से गाइड कर दूंगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और आज इंशाल्लाह आपकी लैब भी होगी, अब्दुल समद पढ़ाएंगे, और उम्मीद है मुझे कि वो स्टैक शुरू कर देंगे आज, ठीक है। इसी तरीके से चौथा फंक्शन है इज फुल, जो आपको बनाना होगा। इट टेल्स द वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट, ठीक है। पांचवा इसी तरीके से फंक्शन है काउंट का, जो कि आपको बताएगा कि भाई कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर कितने उसमें नंबर हैं, आइटम कितने हैं। इसी तरीके से डिस्प्ले का फंक्शन आप एक बना सकते हैं जो कि सारे आइटम डिस्प्ले कर देगा। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन से मुराद यही थी कि भाई जो एक नॉर्मल स्टैक में हम कर सकते हैं वही हम C++ में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, ठीक है सर जी। सर तो मतलब अगर देखने जाए तो एरे और स्टैक्स एक जैसा नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक में बस ये फर्क हो जाएगा कि मैं एरे में कोई सा भी एलिमेंट कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, स्टैक में कभी नहीं कर सकता मैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है इलियास ने। बेसिकली स्टैक को ना इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय सम मीन, ठीक है। यानी कि इस ये जो भी मैंने सारे आपको ऑपरेशन बताए हैं या जो भी इसकी डेफिनेशन बताई है, अब जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आएगा तो एरे जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है कि मैं एरे को यूज करते हुए इस स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दूं, ठीक है। और आज के लेक्चर में या शुरुआती जो लेक्चर्स हैं इनमें हम जो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो एरे से ही करेंगे, ठीक है। तो
एरे तो एक सिंपल वेरिएबल है जो कि मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप होल्ड करता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको यूज जो कर रहे हैं वो एक स्टैक के फैशन में करेंगे टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। आगे इंशाल्लाह ताला एक और चीज है लिंक लिस्ट, उसके जरिए भी हम इस स्टैक को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेहतर और अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है स्टैक की। ठीक है, तो नटशेल में अभी फिलहाल हम एरे ही यूज करने वाले हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने बार बार यही बता रहा हूँ कि ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट की इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ में होती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्लाइड है एप्लीकेशन के हवाले से, और इससे इंटरेस्टिंग भी है और कुछ इसमें जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आपको होमवर्क मिलने वाला है इस स्लाइड के जरिए। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं और बहुत जरूरी हैं समझना स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की, और ये बहुत कॉमनली यूज हो रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कंप्यूटिंग वर्ल्ड में तो यूज हो ही रहा है। सबसे पहला इसका जो यूज है वो एक्सप्रेशन कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है, कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। टिपिकली अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। हमारी कुछ टाइप्स होती हैं एक्सप्रेशंस की, जैसे कि इस तरह एक्सप्रेशन को लिखने को कहते हैं ए प्लस बी अगर मैं लिख रहा हूँ, या इस तरह लिख रहा हूँ तो इसको इनफिक्स फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसको प्रीफिक्स फॉर्म में जिसके अंदर यानी कि जो ऑपरेंड जो है यानी कि जो ऑपरेशन है वो पहले आ जाता है और पोस्टफिक्स में ऑपरेशन बाद में आता है, इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं वो अमूमन कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में यूज हो रही होती हैं। तो हमें एक नॉर्मल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होता है इस प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स मोड में, तो इस पर्पस के लिए भी जो है वो स्टैक को आप यूज कर सकते हैं कि एलिमेंट जो है बार बार उसमें पुश करें और फिर उसको पॉप करें और दूसरे स्टैक में इंसर्ट करके उसको पोस्टफिक्स या पोस्ट प्रीफिक्स कर लें। तो ये आपका असाइनमेंट है, और ये पहले हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि स्टैक कैसे बनता है, उसके बाद फिर आप ये कर सकेंगे। तो और इसके अलावा लैब के अंदर भी इसके हवाले से मैंने टास्क डलवाई हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैक के जरिए ये काम कैसे करते हैं। तो पहला काम तो आज का ये है कि हम स्टैक समझ लें और स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं C++ में। दैट्स इट। ये सारी जो एप्लीकेशन हैं ये आपका होमवर्क भी हैं और आपको लैब के अंदर भी इसके हवाले से मदद मिलेगी कि कैसे कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट है, यानी कि जो कंप्यूटर या कंपाइलर जब मेमोरी की मैनेजमेंट कर रहा होता है तो वो बेसिकली स्टैक फैशन में ही कर रहा होता है। जब भी आप कोई वेरिएबल या फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो जो मेमोरी की एलोकेशन है वो कंटिग्यूस मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर ही होती है। ठीक है, आप फिफ्थ सेमेस्टर में इंशाल्लाह ताला माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है प्रोग्राम काउंटर एक नाम एक सॉर्ट ऑफ रजिस्टर होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी मतलब एप्लीकेशन है। अब कंप्यूटर उसमें अपनी इंस्ट्रक्शन भी सेव करता है मेमोरी के अंदर, यूजर की इंस्ट्रक्शंस और यूजर का कोड भी सेव कर रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ जो है वो एक कंटिग्यूअस मैनर में कर रहा होता है। स्पेशली अगर बात करें इंस्ट्रक्शंस की कि 1, 2, 3, 4 कि भाई पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। लेट सपोज कोई इंटरप्ट आ जाती है और लेट सपोज आपके प्रोग्राम में कोई फंक्शन चल जाता है तो वो वहाँ से अपना जो है टर्न ओवर चेंज कर लेगा, फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा कहाँ पर आए तो वो उसको प्रोग्राम काउंटर बताता है कि भाई आपने फला इंस्ट्रक्शन से छोड़ा था, तो वो दोबारा उसी इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो ये काम भी वो एक स्टैक फैशन में ही कर रहा होता है। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपको नजर भी आती है बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स की, यानी कि जब भी लेट्स सपोज आप वर्ड पे काम कर रहे हैं या कोई जो है वो ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, तो आप अगर लेट्स सपोज वर्ड पे काम कर रहे हैं और आपने कहा नहीं ये तो स्टेप मेरा गलत हो गया है, तो आप क्या कर देंगे, अनडू कर देंगे। ठीक है, तो अनडू या रीडू वाला जो ऑप्शन है उसमें जो भी वो इंस्ट्रक्शन सेव कर रहा होता है अपनी मेमोरी में वो एक स्टैक फैशन में ही कर रहा होता है कि जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होगा
उसको रिमूव कर देगा, उसके बाद दोबारा एक दफा अंडू करेंगे तो उससे लास्ट वाला कर देगा। इसी तरीके से रीडू है, इसी तरीके से ये जो स्टेक है ये एक एन क्वीन प्रॉब्लम कह लें, ये एक गेम है। लेट सपोज चेस का गेम बना रहे हैं आप, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप एक ऑप्शन रखना चाहते हैं कि भाई जब भी मैं कोई स्ट्रेटजी कोई चाल चलूं, जब भी मेरा कोई जो भी उसमें होता है बादशाह वजीर या जो भी मलका वगैरह होती हैं, उनको जब आप एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, लेट सपोज वो स्टेप आपने गलत ले लिया, तो आप चाहेंगे कि नहीं भाई एक स्टेप तो मुझे जो है वो माफ हो, मैं एक स्टेप वापस भी ले सकूं। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वहां पे स्टेक का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। इसके अलावा चौथी एप्लीकेशन जो है वो पेरेंथेसिस मैचिंग में है। लेट सपोज आप कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग में जो है इन ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना होता है कि जब देयर इज अ ओपन ब्रैकेट तो देयर शुड बी आल्सो अ क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो कि भाई आपकी एक्सप्रेशन बैलेंस्ड है नहीं है, इसको भी आप स्टेक से चेक कर सकते हैं कि अगर आपने स्टेक के अंदर लेट सपोज एक ओपन ब्रैकेट पुश किया है तो फिर जो है उसमें क्लोजिंग ब्रैकेट भी हो, जब उसका पॉप किया जाए आखिरी दफा तो उसमें जो है वो आखिरी ब्रैकेट भी हो, तो इस चीज को बैलेंस पेरेंथेसिस कहते हैं। और ये काम भी आप आपका असाइनमेंट भी है और ये लैब के अंदर इसकी टास्क भी होगी तो आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के हवाले से बहुत से एल्गोरिथम और एप्लीकेशंस हैं जो कि स्टेक एक्शन को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जनाब। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेक। हमने देख लिया कि स्टेक क्या है। स्टेक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो या फिलो फैशन में काम करता है, और कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस देख लिए, एप्लीकेशंस देख ली। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द एल्गोरिथम या कोडिंग। अच्छा, ये जो मीटिंग है ये ख़त्म होने वाली है तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद जो जूम है वो इसको सेव करता है, फिर एक दो मिनट के वक्फे के बाद मैं इंशाल्लाह ताला इसी सेम लिंक से हम दोबारा लॉग इन करेंगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे थोड़ा। अच्छा, असद मंजूर कह रहे हैं डिसरप्शन है, अगर दूसरे स्टूडेंट्स को भी है तो फिर वो भी मुझसे शेयर करें ताकि मैं अपने माइक को देखूं, माइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है। तो मैं दोबारा इसी लिंक से दोबारा हम ज्वाइन कर लेंगे और जब तक ये सेव भी हो जाएगा जो कुछ आज अभी हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।